हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोकतंत्र की चुनौतियां के पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम पाठ के परिचय के बारे में पढ़ेंगे और पाठ से परिचित होंगे। बच्चों, दूसरे नंबर पर हम लोग लोकतंत्र की चुनौतियों की श्रेणियां क्या क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग राजनीतिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे और अंत में लोकतंत्र को पुनर्परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर हम सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं और इस पाठ से परिचित हो जाते हैं। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती का मतलब यह है कि वे मुश्किलें जो महत्वपूर्ण हैं और उन पर जीत हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके, तो बच्चों उसी को हम लोग चुनौती के नाम से जानते हैं। हम सभी के जीवन में चुनौतियां, मुश्किलें, कठिनाइयां आती हैं। बस फर्क इतना सा ही है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ इन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लोग चुनौतियों से हार ना मानकर बल्कि लगातार परिश्रम करें तो वे सभी एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और बच्चों, इसी के साथ अब हम अपने पाठ के अगले भाग पर चलते हैं और यह जानते हैं कि लोकतंत्र की चुनौतियों की क्या क्या श्रेणियां हैं। लोकतंत्र की चुनौतियों की श्रेणियां तीन प्रकार की है। पहला, मूलभूत चुनौती। दूसरा, विस्तार की चुनौती। और बच्चों, तीसरा, लोकतंत्र का गहरा होना है। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले मूलभूत चुनौती से शुरुआत करते हैं। बच्चों, गैर लोकतांत्रिक शासन से एक लोकतांत्रिक शासन बनाना खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे पहले अधिनायकत्व और साम्राज्य को खत्म करना पड़ता है और साथ में ही सत्ता पर सेना के नियंत्रण को खत्म करना होता है और यह भी ध्यान रखना होता है कि वे सबको अपने कब्जे में ना कर ले। इन सबको समाप्त करने के बाद एक संप्रभु तथा कारगर शासन की व्यवस्था को स्थापित करना होता है ताकि सरकार समाज के बारे में और समाज के लिए सोच पाए। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली चुनौती पर चलते हैं जो कि विस्तार की चुनौती है। विस्तार की चुनौती में स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना खुद में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू भी करना होता है। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना था। तो चलिए, अब हम अपनी तीसरी और आखिरी चुनौती की तरफ चलते हैं, जो कि लोकतंत्र का गहरा होना है। इसमें सरकारी निर्णय लेने में अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को नीचे लेने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। तो चलिए बच्चों, लोकतंत्र की चुनौतियों की श्रेणियां यही समाप्त होती है और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि राजनीतिक सुधार क्या होता है। लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों में सुधारों की संभावना है। इन आगामी चुनौतियों को राजनीतिक सुधार कहा जाता है। राजनीतिक सुधार कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला यह है कि ऐसे सभी कानून को खत्म कर देना चाहिए जो समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए ही बुरे हों।
और बच्चों साथ ही साथ एक ऐसे कानून को बनाना चाहिए जो समाज और लोकतंत्र दोनों के भले के लिए सोचे, जिनसे समाज खुश रहे। नए कानून बहुत ही ध्यान से और समाज को नजर में रखते हुए बनाने चाहिए। बच्चों तीसरा यह है कि लोगों का सशक्तिकरण होना चाहिए। कुछ ऐसे कानून भी होने चाहिए जो नागरिकों को यह हक दे कि वे जान सके कि सरकार और सरकारी काम कैसे चल रहे हैं। जैसे कि बच्चों सरकार ने भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया है, इसके अनुसार आप सरकार से कोई भी सवाल कर सकते हैं और बच्चों किसी भी सरकारी कागजों की मांग भी रख सकते हैं या फिर किसी सरकारी काम की जांच करवाना चाहे तो वे भी करवा सकते हैं। और इन राजनीतिक सुधारों को लाने के लिए अनेक रैलियां और विरोध प्रदर्शन किए गए। राजनीतिक सुधार के लिए नागरिकों का भाग लेना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि लोगों के होने से सरकार को उनकी जरूरतों का ज्ञान होता है और फैसले उनके अनुसार ही लिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने आखिरी और अंतिम भाग पर चलते हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा क्या है। लोकतंत्र में नागरिकों ने अनेक प्रकार की अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। सबसे पहला, उम्मीदवार को मत देना। बच्चों यहाँ पर मत का मतलब होता है वोट। दूसरा, ऐसी सरकार चुने और सर्वश्रेष्ठ वोट करे जो उनकी जरूरतों और मांगों को पूरा कर सके। तीसरा, कार्यशील लोकतंत्र में सक्रिय भाग लेना चाहिए ताकि सरकार को नागरिकों की जरूरतों के बारे में पता चले और वे उसके अनुसार ही काम करें। चौथा, उस प्रतिनिधि को जान ले जो उनके लिए जिम्मेदार है। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कृपया अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ें, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अव्वल नंबर से पास हो जाएं। एक बार बच्चों हम फिर से दोहरा लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने इस पाठ का परिचय पढ़ा और यह जाना कि चुनौतियाँ क्या होती हैं और हमें चुनौतियों से हार ना मानकर बल्कि उनकी तरफ लड़ना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। दूसरा, हमने लोकतंत्र की चुनौतियों की श्रेणियां क्या है उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहला मूलभूत चुनौती, दूसरा विस्तार की चुनौती और तीसरा लोकतंत्र का गहरा होना थी। और तीसरे नंबर पर बच्चों हमने राजनीतिक सुधार के बारे में पढ़ा, यह जाना कि राजनीतिक सुधार क्या होते हैं, समाज में कैसे सुधार आने चाहिए और सुधार लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और बच्चों हम सबने अंत में यह पढ़ा कि लोकतंत्र को पुनर्परिभाषा क्या है। और साथ में बच्चों अब मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि हम अपनी अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपनी अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम की तरफ से बहुत ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने एग्जाम्स अच्छे से दे पाए और आपको यह भी पता चल पाए कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।